हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब होंगे बहुत बढ़िया। भाई मेरे पीछे बर्फ ही बर्फ है, -12 डिग्री में खड़ा हूँ, जैकेट पहन के, ग्लव्स पहन के। जी हाँ दोस्तों, आज दिल्ली गर्मी में क्या होता है ना, कोई ठंडक वाली जगह मिल जाए घूमने के लिए तो बहुत अच्छा रहता है। दिल्ली NCR में रहते हो या खास करके नोएडा और ग्रेटर नोएडा, तो ये जगह आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ स्नो मस्ती वैनी स्मॉल ग्रेटर नोएडा। सारी जानकारी, टिकट प्राइस, कितनी देर आप अंदर रह सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको करने को मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और दोस्तों का शेयर करना भूलना नहीं। सो फ्रेंड्स, ये है स्नो मस्ती। ये देखिए यहाँ पे लिखा है -12 डिग्री टेम्परेचर आपको मिलने वाला है। इसकी जो लोकेशन रहती है ना, वो वैनिस मॉल रहती है, ग्रेटर नोएडा में है और नियरस्ट मेट्रो स्टेशन परी चौक रहता है। वहाँ से ऑटो करके आपको यहाँ पहुँचना होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्नो मस्ती, -12 डिग्री टेम्परेचर, और आपको अंदर क्या क्या मिलने वाला है, स्नो स्लाइड, स्नो क्लाइंबिंग, स्नो DJ। सो जी यहाँ पर जो है हम अंदर आ गए। देखिए ये कुछ स्नो मस्ती का व्यू रहने वाला है यहाँ पर बाहर का, जहाँ पर टिकट काउंटर है सामने। यहाँ पर मैं आपको एक बार टिकट्स के जो है ना, इनके जो है रेट आपको बता देता हूँ। सो ये देखिए सामने स्नो मस्ती के जो है रेट वगैरह लिखे हुए हैं। अनलिमिटेड पास, अनलिमिटेड टाइम एंट्री 1300। ये जो रहता है ये अनलिमिटेड पास, मतलब इसमें क्या रहता है? अनलिमिटेड टाइम के लिए स्नो पार्क। वैसे कितना रहता है? 900 अच्छा 900 में 1 आवर का होता है, 1300 में जितना मर्जी देर आप रह सकते हो अंदर, ठीक है। इसके अलावा स्नो मस्ती का नॉर्मल टिकट जो है वो 900 का है, यानी कि 1 आवर आपको मिलेगा। गंडोला राइड करना चाहते हो तो उसका 200 का टिकट है। सॉक्स 50 रुपये की रहने वाली है। स्मॉल लॉकर है 100 रुपीज़। बड़ा लॉकर चाहिए आपको रेंट पे तो 200। किड्स बिलो 3 ईयर 450 रुपये रहने वाला। और इसके अलावा और भी इनके कॉम्बो वगैरह आप देख सकते हो सामने स्क्रीन पे। ये सब यहाँ पर मस्ती जोन भी है ना, सो आप उसमें भी इन्जॉय कर सकते हो। मैं आपको स्नो पार्क दिखाने के लिए लेके आया हूँ। सो अंदर आने के बाद ना कुछ इस तरीके से आपको काउंटर मिलेगा, जहाँ से आपको जैकेट, बूट्स वगैरह मिलेंगे अंदर जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ठंडा रहता है। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है ये जैकेट्स मिल जाती हैं, और ये आपको नीचे लोअर मिल गया पहनने के लिए, पूरा सेट मिलता है आपको यहाँ पर। जैकेट्स लेने के बाद आपको अपने बूट्स जो हैं आपके हर साइज़ के अवेलेबल हो जाता है, आपको यहाँ से लेने होंगे, ठीक है, क्योंकि अंदर ठंड रहती है तो पूरा होना होता है तैयार। सो भाई देखो इस तरीके से पूरा रेडी हो गए, ये आपके टिकट में इंक्लूड था सारा का सारा जो है ना, जैकेट वगैरह। अभी अंदर चलते हम यहाँ से, और आपको यहाँ से मिलेंगे ग्लव्स, अब जिससे कि आप बर्फ़ को आराम से हाथ में उठा के जो है खेल सको। सो ग्लव्स लेंगे और फिर वहाँ से एंट्री होगी। सो जी चलो अंदर चलते हम। ये देखो अंदर आते ही भाई साहब एकदम जज्बात बदल गए, पूरे का पूरा माहौल बदल गया, ऐसा लग रहा है कश्मीर में घुस गया हूँ। और जो ये है ना दिल्ली NCR के बड़े स्नो पार्क में से एक है, मतलब हम तो डालते रहते, तो आपने देखा होगा अभी वीडियोस पे अगर और आप एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पे पूरे का पूरे आपको जो है कॉस्ट्यूम मिला, पूरा जैकेट हो गए, लोअर हो गया उसका, शूज़ हो गए, ग्लव्स हो गए। सो यहाँ कपड़े भी आपके पूरे तरीके से गंदे नहीं होंगे, स्लाइड्स भी मस्त रहने वाली है जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ सेल्फी पॉइंट्स मिलने वाले हैं यहाँ पर, और बर्फ़ बिल्कुल जो है इस समय सॉफ्ट है भाई साहब। यहाँ पर घुसते सबसे पहले मुझे इग्लू नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट्स हो गए इनके। ये देखिए यहाँ पे गोरिल्ला खड़ा है, स्नोमैन, फोटोग्राफी के लिए आप इसके साथ भी अपना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं। सेल्फी पॉइंट्स मिलते हैं आपको स्टार्टिंग में अंदर आते हैं ना, जैसे मैं इग्लू दिखाता हूँ यहाँ पर, देखोगे ये देखो, ये देखिए कैसे लोग यहाँ पर जो है अपना सेल्फी लेते हुए। ऊपर आपको एक ब्रिज भी नज़र आ रहा है, ये देखो इस पे भी आप जा सकते हो। आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ क्या है। तो जी यहाँ पर शुरू हो गया है स्नोफॉल। ये एक स्लाइड बनी हुई है, यहाँ पर भी आप जा सकते हो, देखो इसको आपको यहाँ से ऊपर जाना होगा, और ये जैसे भैया गए ना, और ये यहाँ से नीचे आओगे आप, और ये थोड़ा स्लिपरी होती है, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, थोड़ा सेफ्टी के साथ करना, बट मज़ा खूब आएगा आपको। ये जो है ये वॉल क्लाइंबिंग बना रखी है यहाँ पर, स्नो वॉल क्लाइंबिंग, यहाँ पर आपको इसको क्लाइंब करना होगा रस्सी पकड़ के। स्लाइड यहाँ पर, ये एक स्लाइड ये बनी हुई है यहाँ पर, ये मैट लेना होता है आपको, इसकी मदद से आप करेंगे यहाँ से सीढ़ी ऊपर जाएंगे। अभी एक स्लाइड हो रहा है यहाँ पर जिसके लिए ट्यूब लेनी होती है, तो स्लाइड तो बहुत हैं, और रस्ते देखोगे आप कैसे कैसे बने हुए हैं, कहाँ कहाँ से निकल के आप ऊपर जा सकते हो, यहाँ से निकल के आप ऊपर जा सकते हो, यहाँ से ऊपर जा सकते हो। ये स्लाइड है एक जो मैं बता रहा था आपको, और उधर जो है सामने जो है DJ है इनका, स्नो DJ।
तो ये देखो यहाँ पर स्नो डीजे भी है, यहाँ पर देखो ये केप बनी हुई है, इसके अंदर चले जाओ और उधर से निकल आओ, कहीं से भी निकल आओ जहाँ से आपका मन हो। ओ भाई स्लिपरी बहुत है केप भी, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। ये देखो छोटे से बच्चे को इसको हेलमेट मिला हुआ है, ये बच्चों को हेलमेट मिलता है यहाँ पे बढ़िया था सेफ्टी के साथ, ये फुल एंजॉय। ये देखो हेलो अरे भाई, तो आरती को भेजते हैं भाई साहब बॉल क्लाइंबिंग करने, देखते क्या कर पाती है। रस्सी पकड़ कर ना, जो जगह बनी है वहाँ पे पैर रखो ऊपर सीढ़ी पे। नहीं ज़्यादा जा रहा है, स्लिपरी है ना। तो यहाँ पर ऊपर ना आपको दो मिलती हैं, एक तो ये हो गई स्नो स्लाइड जो मैंने करी थी, और एक आपको यहाँ पर मिलती है ये ट्यूब से करनी होती है। देख रहे हो स्लिपरी, देख रहे हो कितना है, ये इस तरीके से जाता है पूरा का पूरा पाथ, और वो नीचे निकल जाओगे जैसे वो निकले। ये देखो क्या लग रहा है यहाँ से, है ना बढ़िया था। ब्रिज पे भी लेके चलता हूँ आपको, ब्रिज भी दिखाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कोई ट्यूब वाला आ जाए तो आपको ट्यूब दिखा दूँ, क्योंकि बड़ी तेज़ चलते हैं भाई ये। ये देखो भाई साहब बोली अगर ट्यूब लेके ना आपको अभी वाली राइड दिखाएंगे, इन्हीं का वेट था ट्यूब लेके आएंगे। तो इसमें देखो कुछ इस तरीके से बैठेंगे, देख रहे हो ये ऐसे रोल रोल होते जाएगी, अभी एक टर्न हो लेगी फिर इधर वाले में आ जाएगी ये जो टनल के ऊपर। वो देखो इसके ऊपर लेके चलता हूँ आपको, ब्रिज क्रॉस करते हैं बस, फिर वीडियो हो गई अपना। है ना ऐसा पहाड़ियों का रास्ता, सो इसे क्रॉस करो ब्रिज को। नीचे देखो ये पूरा का पूरा, चलो जी नीचे उतर जाते हैं। बहुत ठंड है, अंदर आपको कैमरामैन मिलते हैं जो फोटोग्राफी करते हैं, ये एक्चुअली में पेड होता है, आपकी फ़ोटो तो खींच देंगे बाद में, आपको अगर लेना है तो आप बाहर से जो है अपना प्रिंट निकलवा सकते हो। सो ये देखिए जो मैंने आपको अंदर दिखाया था ना, वो अंदर फ़ोटो खींच रहे थे, वो आपको फ़ोटो जो है यहाँ से परचेज़ करनी होती है, अगर आप अपना यहाँ पर देख के और उसे जो है बाय कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे तैयार कर देंगे या क्या। वैसे रेट लिस्ट क्या रहता, रेट क्या रहता है वैसे? अच्छा 200 और 250, ठीक। तो आप यहाँ से ऐसे ही आपको देखो यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर देंगे, और उसके बाद आपको अगर पसंद आती है तो आप लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो है मैंने आपको स्नो मस्ती जो कि वेनिस मॉल ग्रेटर नोएडा में बना हुआ है उसका टूर कराया, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी ठंडक है यार, बहुत ठंडक है, मज़ा आ जाता है मतलब गर्मी का एहसास। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया 900 रुपये वाली में आपको एक घंटा मिलता है, 1300 वाली में आपको अनलिमिटेड रहने को मिलता है, लेकिन मेरे ख्याल से एक घंटा यहाँ पर यार जो काफ़ी रहता है, क्योंकि खुद ही भाग जाओगे यार, मेरे तो पैर ठंडे हो गए। बट हाँ अच्छी जगह है, एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं, स्लाइड्स आपने देखा सब कुछ देखा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, और दिल्ली NCR में घूमने का शौक रखते हो तो इंटरेस्टिंग प्लेसेस के लिए मेरे चैनल को जरूर फॉलो करिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नई लोकेशन पर, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।